Hello friends, you're watching HBTV Yuva क्योंकि जमाना है विदा यंगस्टर्स का एंड यू आर वॉचिंग योर फेवरेट शो सिटी ट्विंस, जहाँ हम आपको बताते हैं क्या कुछ ट्रेंड में है आपकी सिटी में। रेनी सीजन बड़ा ही खूबसूरत सा सीज़न होता है, ऐसे में हमें बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना, अपने लव वंस के साथ बाहर जाने में बड़ा ही मज़ा आता है। पर ये जितना ही खूबसूरत सीज़न है उतना ही थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। वो प्रॉब्लम ये है कि इस सीज़न के अंदर हमें हमारे हेयर्स की टेक केयर करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। फ्रेंड्स, बात आई है हेयर की टेक केयर की, हेयर स्टाइलिंग की। तो इस सिटी ट्विन के शो में हम आपको बताएंगे कि इस रेनी सीजन आप क्या कुछ नया कर सकते हैं अपने हेयर्स के साथ। गाइस, हर बार दूसरों का मेकओवर होता है, उनमें कुछ चेंज मिलते हैं, तो इस बार क्यों ना मैं मेरा ही मेकओवर करवा लूँ। मैं भी जानूँ कि कर्ली हेयर्स वाले क्या कुछ नया कर सकते हैं इस रेनी सीजन में। वक्त मेरे साथ है हेयर स्टाइलर सुनील, जिन्होंने मेरे बालों में काफ़ी अच्छी अच्छी हेयर स्टाइल की है। तो सुनील, मुझे बताओ आपने जो पहले हेयर स्टाइल किया था उसका नाम क्या है, उसे करते कैसे? उसका नाम मैम कर्ली हेयर, ओपन हेयर में स्टाइल है। उसमें बस आपको कर्ल्स करने के बाद ओपन रखना है आगे की तरफ, आगे से थोड़ा सा बाउंस करके, बेकॉमिंग करके उसको बाउंस देना बस आगे से। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कितना इजी था, बस अपने हेयर्स को अच्छे से कर्ल्स कीजिए और आगे से अपने हेयर्स को बैक कॉमिंग करके आप बहुत अच्छी हेयर स्टाइल दे सकते हैं। बात करूँ सेकंड हेयर स्टाइल की, तो वो कौन सी हेयर स्टाइल थी? उसमें ट्विस्टिंग थी मैम। आपको सबसे पहले आगे से थ्री लेयर करना है, उसको ट्विस्टिंग करते हुए चोटी बनाते जैसे उसको राउंड की तरफ पीछे की तरफ लाना, उसके बाद एक तरफ रख लीजिए बाल, पूरे बालों आगे आप। तो फ्रेंड्स, आपने जाना कर्ली हेयर के साथ आप एक और नई चीज़ कर सकते हैं, वो है ट्विस्टिंग। आप अपने हेयर्स को थोड़ा सा पफ करके और आगे से प्लीट्स बना के तो एक बड़ी खूबसूरत सी हेयर स्टाइल बना सकते हैं। बात करूँ मेरी तीसरी हेयर स्टाइल की, जो कि मेरी फेवरेट है, काफ़ी अच्छे से बनाई गई है और इसे देखते देखते मैं भी सीख गई, तो इसका नाम क्या है और इसे आपने कितनी ईजिली बनाया है ये हमारे व्यूअर्स को बताइए। इसका नाम है मेसी बन। तो आप कभी भी पार्टी में, कभी भी कहीं पे भी बना सकते हो। आप कर्ल्स करके बालों को पूरों को पीछे की तरफ बंद करना है बस, उसको बस यही है। तो फ्रेंड्स, आपने जाना कितना इजी था, सिर्फ अपने बालों को लेना है। कर्ली बाल आपके ऑलरेडी हैं तो उन्हें कुछ इस तरीके से, मतलब कहते हैं ना, फोल्ड कीजिए और उन्हें सिर्फ उनके साथ पिन के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ कीजिए, उनको पिन लगा दीजिए, तो आपका एक बड़ा ही खूबसूरत सा मैसी बन तैयार है। फ्रेंड्स, इस वक्त मेरे साथ हैं ब्यूटी एक्सपर्ट दीपाली जी। दीपाली जी, अभी मैंने अपना मेकओवर करवाया कर्ली हेयर्स के अंदर, मैंने बहुत सारी स्टाइलिंग सीखी, बहुत ही क्विकली ऐसी स्टाइलिंग सीखी जो मतलब कोई भी कर सकता है। तो मैंने बहुत सारी स्टाइलिंग सीखी, तो आप मुझे ये बताइए कि कर्ली हेयर्स के अंदर और क्या कर सकते हैं इन स्टाइल्स के अलावा? जैसे अभी आप देखेंगे कि ह्यूमिड वेदर चल रहा है, तो ह्यूमिड वेदर में सबसे ज़्यादा जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो आती है फ्रिजी हेयर्स। सो और एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, तो जब बालों में मॉइस्चर होता है तो आप अपने बाल जितने ज़्यादा टाई रखें, आप हाफ टाई कर सकते हैं, साइड में ब्रेडिंग बना सकते हैं, ऐसा कोई स्टाइल कैरी कर सकते हैं, क्योंकि जो वेदर है उसमें अगर आप ओपन रखेंगे तो आपके बाल और ज़्यादा फूल जाएंगे, तो वो अनटाइडी सा लुक देंगे। तो मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगी, आप अपने बालों को अनटाइडी लुक में ही नेचुरल, अपने कर्ल्स में, जो आपके नेचुरल कर्ल्स हैं उसमें आप अवॉइड करें ब्लो ड्रायर आयनिंग करना,
उसके अलावा अपने नेचुरल कर्ल्स को ही मेंटेन कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइल से. आप फ्रंट में साइड ब्रेडिंग कर सकते हैं, ट्विस्ट दे सकते हैं, अनटाइडी बन बना सकते हैं. तो ऐसे स्टाइलिंग को आप इस वेदर में बहुत अच्छे से कैरी कर सकते. बिल्कुल, इतनी सारी स्टाइलिंग कर सकते हैं हम रेनी सीजन में अपने कर्ली हेयर्स के साथ. पर अब मैं बात करूँ स्ट्रेट हेयर्स की, वो भी इस सीज़न में थोड़े से प्रॉब्लमेटिक होते हैं. तो इस सीज़न में हम क्या कर सकते हैं स्ट्रेट हेयर्स के साथ? जैसे स्ट्रेट हेयर्स जितने भी स्ट्रेट होते हैं वो फाइन होते हैं और लिम्प डाउन करते हैं, तो उनमें वॉल्यूम नहीं होता. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा सा आपको उनको स्टाइलिंग करने से पहले आप हीट स्टाइलिंग प्रोडक्ट ज़रूर यूज़ करें, और उसके बाद आप उनमें थोड़ा सा मूज लगा दें और कर्ल्स बना सकते हैं. तो वो स्टे भी लॉन्गर करेगा और उनके बालों में वॉल्यूम आ जाएगा. तो स्ट्रेट हेयर्स में वॉल्यूम देने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनको कर्ल्स दें. तो इस वे में आप उनको कैरी कर सकते हैं. हाँ, मैंने आज एक चीज़ सीखी, मैसी बन. बहुत से लोग मैसी बन बनाते हैं पर एक परफेक्ट लुक नहीं आता. मैंने भी बहुत बार मैसी बन ट्राई किया पर एक परफेक्ट लुक नहीं आता. आज मैंने बनाया, मैं कैरी कर रही हूँ उसे इस वक्त मेरे साथ और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है. पर अगर मैं इसी जगह बात करूँ स्ट्रेट हेयर्स वालों की, वेवी हेयर्स वालों की, तो वो किस तरीके से मैसी बन बना सकते हैं इस रेनी सीजन में? स्ट्रेट हेयर में वॉल्यूम, बिकॉज स्ट्रेट हेयर बहुत ज़्यादा लिम्प डाउन करते हैं, तो उसमें आप क्या करें कि पहले हीट स्टाइलिंग प्रोडक्ट आते हैं उसको पूरे हेयर में स्प्रे कर लें और उससे आयरन से आप उसको कर्ल्स कर लें. कर्ल्स करने के बाद आप उनको टाई कर सकते हैं, आप साइड में ट्विस्ट दे सकते हैं और वन साइडेड बन भी बना सकते हैं. वो भी बहुत अच्छा लुक देते हैं, क्योंकि हम नॉर्मली इवनिंग गाउन्स, जो ह्यूमिड वेदर होता है, हम जितनी भी पार्टीज़ करते हैं इवनिंग पार्टीज़, उसमें हम गाउन का आउटफिट ट्राई करते हैं. तो उसमें अगर आप साइड बन देते हैं एक साइड से ट्विस्ट देके, तो वो बहुत ही अमेजिंग लुक देता है. आपने बहुत ही क्लासिक क्लासिक हेयर स्टाइल तो हमें बता दी, पर एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, इस सीज़न में हम अपने लॉन्ग लास्टिंग, मतलब जो कहें कि हम कैसे अपने हेयर्स को रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है अगर हमने कर्ली किया है हेयर्स को और अगर हमारे बालों पे थोड़ी सी भी वाटर गिर गया तो प्रॉब्लम हो जाती है. एक्चुअली क्या होता है, जब भी आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि ह्यूमिड वेदर है, तो आप अपने बालों को शैम्पू तो हमारे क्यूटिकल्स को ओपन करता है, तो कंडीशनर आपको करना ही करना है. शैम्पू के बाद कंडीशनर करें, और उसके बाद जो लास्ट में एक ही सिरम आता है दैट इज़ सिलिकॉन बेस्ड, वो आपके फ्रिज को भी कंट्रोल करता है और आपके जितने भी हेयर्स में टैंगल्स आ जाते हैं उनको भी फ्री करता है. तो आप इस वे से अगर आप रेगुलर रूटीन में अपने हेयर को मेंटेन करना चाहते हैं, तो इस वे में शैम्पू, कंडीशनर एंड देन सिरम ज़रूर यूज़ करें. अगर आपने अपने हेयर इवन वॉश भी नहीं किए, तो आप क्या कर सकते हैं, सिरम लगा के उनको टैंगल फ्री कर सकते हैं. और एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आजकल एक ड्राई शैम्पू आता है, जो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसको शैम्पू करना है. या आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ उसको अपने स्कैल्प पे स्प्रे करें, वो इमिजिएटली आपके हेयर को रिफ्रेश कर सकता है और आपके हेयर एकदम से टू स्टाइलिंग के लिए दोबारा से रेडी हो जाते हैं. तो यू कैन यूज़ अ ड्राई शैम्पू इन ह्यूमिड वेदर. एक मैसेज जो आप हमारे जयपुराइट्स को देना चाहेंगे कि इस सीज़न उन्हें ये वाला स्टाइल तो ज़रूर करना चाहिए? मैं जयपुराइट्स को कहना चाहूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा अच्छा वेदर है, तो आप अपने बालों में अनटाइडी बन कैरी करें साइड ट्विस्ट देकर, वो बहुत ही अमेजिंग लुक देगा. आप वेल फ्रेंड्स, आज के हमारे सिटी ट्रेंड के शो में आपने जाना कि आप क्या कुछ अलग कर सकते हैं रेनी सीज़न अपने हेयर्स के साथ. वेल फ्रेंड्स, मैं तो अपने हेयर स्टाइल से हूँ बहुत ही ज़्यादा खुश, और आप भी इस रेनी सीज़न अपने काफ़ी सारे हेयर स्टाइल अपना सकते हैं. वेल फ्रेंड्स, अब मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त. आज के हमारे सिटी ट्रेंड्स के शो में बस इतना ही. तब तक टेक केयर, बाय बाय.